गुड मॉर्निंग। देखिए, कल अपन ने जो जो पढ़ा था पहले उसको क्विक रिवीजन करते हैं, फिर आज के लेक्चर को अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। मैंने आपको बताया था कनकेव लेंस में अपन दो केसेस पढ़ा था अपन ने, क्या क्या, कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और फोकस के बीच में हो तब, और एक केस पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तब। दो केस पढ़ा था, किसमें? कनकेव लेंस में। कन्वेक्स लेंस में 6 केस अपन ने पढ़ा था। ये सारा इमेज फॉर्मेशन बताया था आपको, इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अच्छे अच्छे एग्जाम में क्या करते हैं, इस चीज़ का अप्लीकेशन कैसे करेगा, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका यूज़ करा लेगा आपको। क्या कि भाई इस केस में इमेज कैसा बनता है, क्या बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, उस चीज़ का अगर आपको कंसेप्ट पता है तो मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे देगा कि एक ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसा ऐसा बन रहा है, तो आप खुद विजुअलाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा कब हो सकता है। तो आप 6 केस देख लीजिए कन्वेक्स लेंस में, अगर कोई भी एक केस सेट कर रहा है तो इससे आप ना ऑप्शन को छांट सकते हैं, ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में एक्चुअली होती क्या है, क्वेश्चंस बनाने का तरीका होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। चूंकि कंपटीशन एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो वहाँ मेन गेम है टाइम का, कि आप टाइम को अगर मैनेज कर लिए, टाइम खुद ब खुद मैनेज्ड है, अगर आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आप और भीड़ से आगे निकल जाएंगे। कारण क्या है कि क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को कितना समय देना है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे क्या सोचते हैं, अरे ये तो अपने को आता है, मगर वो चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आपको पूरा का पूरा आता है, वो क्वेश्चन 5 मिनट में बनेगा, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में कहता है कि ऐसे क्वेश्चन को पहले छोड़ दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो क्वेश्चन विद इन 1 मिनट, या तो 1 मिनट या 1 मिनट से कम में सॉल्व हो रहे होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और आगे बढ़ते जाइए। तो सर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे जिसमें 5 मिनट लगेगा, करेंगे लास्ट में, पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जो डायरेक्ट टिक हो रहा हो। केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट टिक हो रहे होते हैं, आपको याद है तो आप टिक कर पाएंगे, याद नहीं है तो आप बना ही नहीं पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का। फिजिकल में थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, तो पहला जो हमारी मेंटेलिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन से अपने एग्ज़ाम को, अपने एग्ज़ाम का स्टार्टिंग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें, फिर मैथ्स में दें, फिर फिजिक्स में दें, बायो वाले पहले बायो में दे दें, फिर केमिस्ट्री में दे दें, जैसे आपको अच्छा लगता है, मगर केमिस्ट्री को पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो जेई हो या नीट हो या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी हो। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन बहुत ऐसे होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताइए ऑब्जेक्ट अगर एफ और 2F के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा, नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में इसका यूज़ करवा लेगा आपको। मतलब आपको अगर ये 6 केस पता होगा तो आपका माइंड तुरंत क्लिक कर लेगा और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो कल अपन ने जो पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन उसको ध्यान रखना है। आगे मैंने आपको बताया था जब लेंस मेकर्स फार्मूला डेराइव किया था तो हमने बोला था उसी से अपन ने लेंस फार्मूला डेराइव किया था, मगर लेंस फार्मूला अगर डायरेक्ट डेरिवेशन पूछे, आपके मन में अगर ऐसा लग रहा हो कि सर मन संतुष्ट नहीं हो रहा है लेंस मेकर्स फार्मूला से लेंस फार्मूला डेराइव करना, आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आप तो वो लेंस मेकर्स फार्मूला डेराइव किए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एग्जाम में लेंस फार्मूला डेराइव करने आए तो जो मैं अभी बता रहा हूँ वो कर सकते हैं। तो एक चीज़ सोचिए, कन्वेक्स लेंस में 2 केस था, एक केस में इमेज वर्चुअल बना था, बाकी रिमेनिंग 5 केस में इमेज रियल बना था, तो हम दोनों केस के लिए पहले कन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फार्मूला डेराइव करते हैं, फिर कनकेव लेंस के लिए भी आपको डेराइव करके दिखा दूंगा। कारण है लेंस फार्मूला एक ही होता है, क्या 1/V - 1/U = 1/F, मगर वो पता नहीं एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछ देगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि डेराइव लेंस फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस, इट फॉर्म्स रियल इमेज, रियल इमेज के लिए बनाइए कन्वेक्स लेंस का के लिए लेंस फार्मूला डेराइव कीजिए, या वर्चुअल इमेज जब बन रहा हो कन्वेक्स लेंस के द्वारा तब लेंस फार्मूला डेराइव कीजिए, और एक पूछ सकता है कि कनकेव लेंस के लिए
लेंस फार्मूला डेराइव करिए, ठीक है। लेंस फार्मूला मगर एक ही है, आइए अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए, फॉर कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के लिए अपन क्या डेराइव कर रहे हैं, लेंस फार्मूला। कब के लिए, जब क्या बन रहा हो, रियल इमेज बन रहा हो। कौन सा इमेज बन रहा हो, रियल इमेज, मतलब जब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा हो तब देखिए। तो रियल इमेज में पांचों केस, पहला केस को छोड़ के बाकी पांचों केस में कोई भी एक केस उठा लीजिए, काम हो जाएगा। ये मान लीजिए एफ है, ये मान लीजिए टू एफ है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट एफ और टू एफ के बीच में है, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे दीजिए ये ए और ये बी है, ये ऑब्जेक्ट है। एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिराया, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये किससे पास करेगी, फोकस से, ये फोकस से पास कर गया। और एक लाइट रे को कहाँ गिराया अपन ने, एक लाइट रे को गिराया अपन ने ऑप्टिकल सेंटर पे, ऑप्टिकल सेंटर को अपन सी कह दे रहे हैं। ठीक है, ये इमेज बन गया। अब देखिए, ये एफ है, ये टू एफ है, ये इमेज बन गया। आराम से समझिए, ऑब्जेक्ट कहाँ, याद कीजिए ऑब्जेक्ट रखा था एफ और टू एफ के बीच में, तो इमेज बनता था बियॉन्ड टू एफ, टू एफ के बाद। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश, सही है। ये सी है, इसका नाम दे दीजिए डी, कोई दिक्कत यहाँ तक, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, डी। अब ध्यान से देखो बाबू, क्या ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए डैश बी डैश सी, ध्यान से देखिए, ट्रेंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए बी सी दिख रहा है ये ट्रेंगल और ए डैश बी डैश सी दिख रहा है ये ट्रेंगल। अब ध्यान से समझिए क्या है इसमें, इसको देखिए एक चीज कि ए बी सी में ये एंगल 90 है और ए डैश बी डैश सी में क्या ये एंगल 90 है, तो एक एंगल बराबर हो गया। ए बी सी में ये एंगल सी और ए डैश बी डैश सी में भी ये एंगल सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, नहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ए बी सी में 90 ये, ए डैश बी डैश सी में 90 ये, ए बी सी में ये सी एंगल और ए डैश बी डैश सी में ये सी एंगल, दोनों बराबर है, तो क्या हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रेंगल आपस में कैसा है, सिमिलर है। क्या है आपस में, सिमिलर। तो क्या होता है, पहले ए बी सी ट्रेंगल का हाइट क्या हो गया, ए बी, ए डैश बी डैश सी ट्रेंगल का हाइट क्या हो गया, ए डैश बी डैश, ए बी सी वाले का बेस क्या हो गया, ए सी, और ए डैश बी डैश सी वाले का बेस क्या हो गया, ए डैश सी। इक्वेशन नंबर पहला, कोई दिक्कत, इक्वेशन देखिए। अब दूसरा देखिए, ट्रेंगल यहां देखिए सी डी एफ दिख रहा है, सी डी एफ और एक दिख रहा है ए डैश बी डैश एफ, तो ट्रेंगल सी डी एफ एंड ट्रेंगल ए डैश बी डैश एफ, देखो एक बार सी डी एफ क्या फिर से ये एंगल 90 और ए डैश बी डैश एफ में ये एंगल 90, सी डी एफ में ये एंगल और ए डैश बी डैश एफ में ये एंगल फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या दोनों ये ट्रेंगल भी क्या है आपस में सिमिलर है। अगर ये ट्रेंगल भी आपस में सिमिलर है तो क्या अपन कह सकते हैं, बोलो क्या कह सकते हैं, ठीक, हाँ सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, हाँ तो क्या लिखेंगे, इसका हाइट सी डी, इसका हाइट ए डैश बी डैश, इसका बेस सी एफ और इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा क्या ए डैश एफ। अब एक बात बताओ, देखो ध्यान से बोलो, क्या सी डी और ए बी दोनों आपस में बराबर होगा या नहीं, जितना सी डी होगा उतने ना ए बी होगा, तो सी डी के जगह ए बी लिख दें, तो ये वाला नीचे जो अभी लिखा ये बन जाएगा ए बी बाय ए डैश बी डैश बराबर सी एफ बाय ए डैश एफ, इक्वेशन नंबर दूसरा। अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, एक इक्वेशन और दो इक्वेशन को देखिए, दोनों का एलएचएस क्या है, सेम है, तो क्या आरएचएस को सेम कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू से एलएचएस सेम है, तो पहले वाले इक्वेशन का आरएचएस है ए सी बाय ए डैश सी
और दूसरे का सी एफ बाय ए डैश एफ। अब ध्यान से समझिए, ए सी, आइए ए सी कौन है, क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है? ए सी कौन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे लिखते हैं अपन? यू से, सही है, इसको किससे लिखते हैं? यू से। लेफ्ट साइड है, इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, लाइट रे का डायरेक्शन इधर, तो ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाला डिस्टेंस नेगेटिव, तो ए सी के जगह क्या लिखेंगे अपन? माइनस का यू। नाउ ए डैश सी क्या होगा? ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा, ये इमेज डिस्टेंस, यहां से भी इमेज डिस्टेंस है पॉजिटिव में, तो ये बन जाएगा प्लस का भी, बराबर सी एफ। सी और एफ यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ के बराबर। कैसा फोकल लेंथ? प्लस का एफ, तो ये हो गया प्लस का एफ। ए डैश एफ के बारे में बताइए, बताइए ए डैश एफ को डायरेक्ट कुछ लिखा जा सकता है? नहीं, तो हम ऐसा करें ए डैश एफ को ऐसा लिख दें, ए डैश सी माइनस सी एफ। देखो ए डैश सी लिखा, उसमें से सी एफ को घटा दिया, तो बोलो ए डैश एफ नहीं आ गया, तो क्या बना? माइनस का यू, माइनस का यू बाय भी एफ बाय ए डैश सी। ए डैश सी को क्या लिखेंगे? प्लस का भी, माइनस सी एफ को क्या लिखेंगे? प्लस का एफ, सही है। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा माइनस यू वी प्लस का यू एफ बराबर वी एफ, सही है। इस यू वी को उधर लेके चले जाइए, तो ये बन जाएगा यू एफ, इसको इधर बुला लीजिए माइनस का वी एफ, ये यू वी उधर चला गया प्लस का यू वी, सही है। अब अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन जो आया यू एफ, एक मिनट, यू एफ माइनस का वी एफ इज इक्वल टू क्या आया? यू वी। अब डिवाइड बाय बोथ साइड्स, डिवाइड बाय यू वी एफ, यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ दिख, यू वी एफ से क्या कर दीजिए? डिवाइड करें, दिख रहा है क्या? अब क्या करो, यहाँ यू एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ माइनस वी एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ बराबर यू वी डिवाइडेड बाय यू वी एफ, क्लियर है, दिख रहा है? ठीक, यू से यू निपट गया, एफ से एफ निपट गया, वी से वी निपट गया, एफ से एफ निपट गया, यू से यू, वी से वी, क्या बचा? वन बाय वी माइनस का वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ, यही है हमारा लेंस फॉर्मूला, जहाँ पे U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V क्या है? इमेज डिस्टेंस, F क्या है? फोकल लेंथ। तो लेंस जैसा दिया होगा उसके अनुसार, हमको पता है कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, मतलब जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा उसको साइन के साथ रखेंगे फॉर्मूला में, जो पूछा जाएगा उसके साइन की चिंता अपन नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, वो अपने आप साइन के साथ आंसर आ जाएगा। तो ये था कन्वेक्स लेंस के लिए, जब इमेज कैसा बन रहा हो? रियल, तब लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन, ठीक है। अब देख रहे हैं कन्वेक्स लेंस के लिए ही, जब इमेज वर्चुअल बन रहा हो तब लेंस फॉर्मूला कैसे डेराइव होगा। चलिए इधर देखिए, इसी का दूसरा केस, अब कौन सा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इमेज। बताओ कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज कौन से केस में बनता था, जो अपन ने पढ़ा है? पहला केस, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा था, मतलब आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? मान लो ये क्या है हमारा? कन्वेक्स लेंस है, ये है ऑप्टिकल सेंटर सी, ये मान लीजिए फोकस है एफ, ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ गिराएंगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये किससे पास करेगी? फोकस से, और एक लाइट रे को कहाँ से गिराएंगे? ये ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड चली जाएगी, तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रे आगे नहीं मिलेंगी, इसको अपन क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, और इमेज अपना यहां बन गया,
क्या ए डैश बी डैश। ये कैसा इमेज बना? वर्चुअल इमेज। इसको नाम दे दीजिए, ये पॉइंट क्या हो गया सी डी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई परेशानी? रे डायग्राम समझ में आया? कल भी अपन ने देखा है। अब आओ ध्यान से फिर से ट्रायंगल एबीसी को देखो बाबू। एबीसी एंड ए डैश बी डैश सी। देखो एबीसी ट्रायंगल में ये एंगल 90 और ए डैश बी डैश सी वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90। एबीसी में ये एंगल सी और ए डैश बी डैश सी में फिर से ये एंगल सी कॉमन है, तो दोनों क्या है आपस में? दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है, समरूप है। तो क्या कहेंगे? पहले वाले का हाइट ए बी, दूसरे वाले का हाइट ए डैश बी डैश, पहले वाले का बेस ए सी, दूसरे वाले का बेस ए डैश सी। इक्वेशन नंबर पहला। क्लियर है? आगे चलते हैं। हाँ, तो ये हो गया ए बी सी ट्रायंगल और ए डैश बी डैश सी आपस में क्या हो गया? सिमिलर हो गया आपस में, ये सिमिलर हो गया। दूसरा देखो, दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ दिख रहा है क्या? सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ऐसे ऐसे इधर देखो। ये क्या है? ये पॉइंट एफ है। तो ये देखो सी डी एफ एक ट्रायंगल और ए डैश बी डैश एफ ये वाला ट्रायंगल। थोड़ी सी लाइंस टेढ़ी दिख रही होंगी, आप देखने की कोशिश करिए। ए डैश बी डैश एफ ये वाला ट्रायंगल और सी डी एफ ये वाला ट्रायंगल फिर से सिमिलर। कैसे? तो ट्रायंगल, ट्रायंगल ये हो गया सी डी एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। देखो कैसे? सी डी एफ में ये एंगल 90 और ए डैश बी डैश एफ में ये एंगल 90। सी डी एफ में ये एंगल एफ और ए डैश बी डैश एफ में ये एंगल एफ कॉमन है, तो दोनों क्या होगा आपस में? सिमिलर होगा, समरूप होगा। तो हम क्या कहेंगे? पहले वाले का सी डी एफ का हाइट सी डी और ए डैश बी डैश एफ का हाइट ए डैश बी डैश। सी डी एफ का बेस क्या हो जाएगा? सी एफ, सी एफ यहाँ ये सी है, और ए डैश बी डैश एफ का बेस क्या हो जाएगा? ए डैश एफ। अब ध्यान से देखो, क्या फिर से सी डी ए बी के बराबर होगा? बोलो हाँ या ना। सी डी CD क्या AB के बराबर होगा? देखो देखो, ये जो CD है क्या AB के बराबर है? तो CD के जगह क्या लिख देंगे अपन? AB by A dash B dash बराबर CF by A dash F। इक्वेशन नंबर दूसरा। ये था इक्वेशन नंबर पहला और ये था इक्वेशन नंबर दूसरा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू देखो, दोनों का एल एच एस क्या है? सेम है। अगर दोनों का एल एच एस सेम है तो क्या दोनों का आर एच एस भी सेम होगा? तो पहले का आर एच एस ए सी बाय ए डैश सी और दूसरे का आर एच एस सी एफ बाय ए डैश एफ, सही बात है। और यहाँ ए सी, ए सी कौन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो AC के जगह क्या लिख देंगे? लेफ्ट साइड माइनस का U, चूंकि लाइट रेखा डायरेक्शन इधर है, इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव। और A'C कौन है? इमेज डिस्टेंस। ये क्या है? इमेज डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? माइनस का भी। CF कौन है? फोकल लेंथ। CF कौन है? फोकल लेंथ, प्लस का F। और A'F के बारे में थोड़ा बोले, ए डैश एफ को क्या लिख दें? ए डैश सी प्लस सी एफ लिख, अरे भाई ए डैश सी अब प्लस सी एफ तो ए डैश एफ आ जाएगा। तो ए डैश एफ को, एफ को क्या लिख दें? ए डैश सी प्लस सी एफ, सही है। ए डैश सी प्लस सी एफ, तो ये बन गया माइनस का यू माइनस का भी इज इक्वल टू प्लस का एफ ए डैश सी। ए डैश सी इमेज डिस्टेंस मतलब माइनस का भी, प्लस सी एफ को क्या लिख देंगे? एफ। माइनस से माइनस निपट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का यू भी प्लस का यू एफ बराबर वी एफ, सही है। तो इसे यू भी को उधर बुला लीजिए, तो ये बन जाएगा वी एफ, सॉरी ये बन जाएगा यू एफ इधर प्लस में, ये वी एफ इधर आया, माइनस का वी एफ, माइनस का यू भी उधर गया, प्लस का यू भी ये आ गया। अब क्या कीजिए? दोनों तरफ डिवाइड बाय यू वी एफ,
डिवाइड बाय यू वी एफ ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या लिखें, दोनों तरफ यू वी एफ से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो बोलो यू एफ में किससे डिवाइड करेंगे, यू वी एफ से, माइनस वी एफ में किससे डिवाइड करेंगे, यू वी एफ से, बराबर। और यहाँ क्या बचा, यू वी, यू वी में किससे डिवाइड करेंगे, यू वी एफ से, यू से यू कट गया, एफ से एफ निपट गया, बी से बी निपट गया, एफ से एफ निपट गया, यू से यू निपट गया, बी से बी निपट गया, यहाँ क्या बचा, वन बाय वी माइनस का वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ, फिर से आ गया लेंस फॉर्मूला वही, वन बाय वी माइनस का वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ। तो ये क्या है, कन्वेक्स लेंस के लिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए अपन ने क्या देख लिया, लेंस फॉर्मूला देख लिया। अब किसके लिए देखेंगे, कनकेव लेंस के लिए, किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए देखेंगे लेंस फॉर्मूला। कनकेव लेंस में तो दोनों केस में इमेज कैसा बना था, वर्चुअल ही, तो इसीलिए कनकेव के लिए दो केस नहीं आएगा, एक ही केस आएगा वर्चुअल इमेज के लिए। तो किसके लिए अपन देख रहे हैं अभी, कनकेव लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला देखो, अवतल लेंस मान लो ऐसा था, और ये ऐसा था, सपोज ये क्या है, मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है, फोकस है। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी और फोकस के बीच में, मान लो ये f है और ये क्या है, 2f है। तो सुनना, अगर ऑब्जेक्ट को यहां रखा, इस ऑब्जेक्ट का नाम मान लो ए बी है, तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिराया, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये किधर चली गई, इधर नहीं, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं ना, तो लाइट रे को ये क्या करेगा, डाइवर्ज, फैला देगा। और एक लाइट रे को कहाँ गिराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर पर, जो कहाँ चली जाएंगी, अनडेविएटेड चली जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन अनडेविएटेड जाती है ना, कहीं बिना मुड़े हुए वो आगे चली जाती है। चलो इधर देखो आराम से, इस पॉइंट का नाम क्या दे देंगे, सी डी। अब ध्यान से देखो, तो इसको इधर बढ़ाओ, ठीक है, इसको इधर बढ़ाएंगे तो ये ऐसे फोकस पे आके मिलेगी, ठीक, मगर ये दो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ मिला, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये जाके इमेज बन गया, ये क्या बन गया, इमेज, इसका नाम हो जाएगा ए डैश, इसका नाम हो जाएगा बी डैश। कैसा इमेज बना, वर्चुअल इमेज बना, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं, एक्चुअली वर्चुअल इमेज है, डॉट डॉट दिखाता, मगर आपको शायद क्लियर नहीं दिखता, इसलिए हमने इसको डार्क कर दिया। देखो ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए डैश बी डैश सी, ए बी सी दिख रहा है, ये एंगल 90, और ए डैश बी डैश सी में भी ये एंगल 90, ए बी सी में भी ये एंगल 90, ए डैश बी डैश सी में भी ये एंगल 90, ए बी सी में ये एंगल सी और ए डैश बी डैश सी में भी सी, दोनों कॉमन है, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रेंगल आपस में कैसा है, सिमिलर है। और सिमिलर ट्रेंगल की खास बात क्या होती है, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल में होता है, तो इसका साइड, इसका हाइट ए बी, इसका हाइट ए डैश बी डैश, इसका बेस ए सी, इसका बेस ए डैश सी, सही बात है, बोलो, इक्वेशन नंबर पहला। आगे देखो, आगे देखो सी डी एफ दिख रहा है क्या, एक ट्रेंगल सी डी एफ और एक ट्रेंगल ए डैश बी डैश एफ, तो ट्रेंगल सी डी एफ एंड ट्रेंगल ए डैश बी डैश एफ, देखो इधर से सी डी एफ में ये एंगल 90 और ए डैश बी डैश एफ में भी ये एंगल 90, सी डी एफ में ये एंगल एफ और ए डैश बी डैश एफ में भी ये एंगल एफ, दोनों कॉमन है, तो जब किसी दो ट्रेंगल में दो एंगल बराबर हो जाता है तो वो दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर हो जाता है, तो इसका हाइट सी डी, ए डैश बी डैश एफ वाले का हाइट ए डैश बी डैश, सी डी एफ वाले का बेस सी एफ, ए डैश बी डैश एफ वाले का बेस ए डैश एफ, इक्वेशन नंबर नहीं।
अब बताओ क्या फिर से सी डी ए बी के बराबर होगा? तो सी डी के जगह क्या लिख देंगे, ए बी बाय ए डैश बी डैश बराबर, यहाँ क्या बना, सी एफ बाय ए डैश एफ, इक्वेशन नंबर दूसरा। अब फ्रॉम पहला और दूसरा, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को देखिए, तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को देखने पे होगा क्या होगा, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को देखने पे दोनों का LHS सेम है, तो क्या RHS फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और टू को देखिए तो LHS सेम है, RHS भी सेम हो जाएगा, तो इसका RHS AC by ADC और इसका RHS क्या है, CF by ADF। एक बार अपन चेक कर लेते हैं सही लिखा है या नहीं। देखो ABC ADS BDC सिमिलर है, AB by ADS BDS AC by ADC सही है, CDF में और ADS BDS F में तो CD by ADS BDS CF by ADS F सही है, CD को AB के बराबर लिखा तो AB by ADS BDS बराबर CF by ADS F। इक्वेशन वन और टू से क्या AC by दोनों का LHS सेम है तो RHS सेम होगा, AC by ADS C बराबर CF by ADS F। AC को देखो, AC कौन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब U किया, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इधर वाला डिस्टेंस प्लस में, इधर वाला डिस्टेंस माइनस में, तो AC को क्या लिखेंगे, माइनस का U, ADS C माइनस का V, ADS C माइनस का V, CF, CF को क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ, CF को लिखेंगे फोकल लेंथ, क्या माइनस का F, लेफ्ट साइड माइनस का F, और ADS F को क्या लिखेंगे, ADS F को लिख दें CF, देखो ADS F को लिखना है तो CF में से अगर ADS C को घटा दें, CF में से ADS C को घटा दें काम हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, U by V is equal to माइनस का F CF, CF क्या है माइनस का F माइनस ADS C क्या है, ADS C है, ADS C है माइनस का V, ये बन गया U by V is equal to माइनस का F माइनस F प्लस का V, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा माइनस का UF प्लस का UB, माइनस का UF प्लस का UB बराबर माइनस का VF सही है, तो इसको क्या कीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये UB इधर रह गया, इसको इधर भेजिएगा तो ये बन गया UF, इधर आके ये माइनस प्लस हो गया माइनस का VF, तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं यू एफ माइनस वी एफ बराबर यू वी, फिर से क्या करेंगे डिवाइड बाय यू वी एफ ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए तो यू एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ माइनस का वी एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ बराबर यू वी डिवाइडेड बाय यू वी एफ, यू से यू निपट गया वी से भी निपट गया, वी से भी एफ से एफ, यू से यू एफ से एफ, क्या बना वन बाय वी माइनस का वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ, यही क्या है लेंस में फॉर्मूला। तो देखो कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, लेंस फॉर्मूला एक ही आया है, वन बाय वी माइनस का वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ, जहाँ पे वी क्या है इमेज डिस्टेंस, कहाँ से मेजर करेंगे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, कहाँ से ये डिस्टेंस लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक। जो भी डेटा क्वेश्चन में दिया होगा उसको साइन के साथ रखेंगे फॉर्मूला में, जो पूछा होगा वो उसकी साइन की चिंता अपन नहीं करेंगे, वो अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। तो ये था लेंस फॉर्मूला, हमने दोनों लेंस के लिए बताया, कन्वेक्स लेंस के लिए दो केस में, जब रियल इमेज बन रहा है तब भी बताया, वर्चुअल इमेज बन रहा है तब भी बताया, कनकेव लेंस के लिए बताया, कनकेव लेंस के दोनों केस में वर्चुअल इमेज ही बनता है, इसलिए 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ एक ही केस के लिए होगा सर। ये था अपना लेंस फॉर्मूला। आगे चलते हैं अपन मैग्निफिकेशन को पढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, चलिए मैग्निफिकेशन को पढ़ते हैं।
लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन के फार्मूला पे न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट रहता है इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ऐसा अपन ने मिरर में भी पढ़ा था। नहीं, मैग्निफिकेशन का 2-3 फार्मूला लिखा था, याद आ रहा है क्या? क्यों याद रखें सर? याद रखने से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ है। ये आपके लैंग्वेज में होगा, मगर बाबू याद रखोगे ना तो एग्ज़ाम में तभी तुम मज़े में रहोगे। याद नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम में यही अफसोस करते रहेंगे अपन। शायद पढ़ लेते ना तो आज दूसरों का फेस देखने का नौबत नहीं आती। इसलिए कोशिश करिए पढ़ाई करने की। अभी अगर पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम में बैठे नहीं रहोगे, अभी नहीं पढ़ोगे ना तो एग्ज़ाम में भी बैठे ही रहोगे, क्योंकि कुछ आएगा नहीं तो करोगे क्या? तब आपको टाइम लगेगा, जल्दी बीते जल्दी बीते जल्दी बीते। और जिसको आ रहा होता है रियल में, उसको लगता है कि टाइम कम पड़ जा रहा है। तो कोशिश करिए पढ़ने की, कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं, आसान आसान बात है। बाकी सारे चीज़ों में आप लोगों का दिमाग कहीं गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है। अरे यार, पढ़ाई में थोड़ा भी उसका 5-10% भी दे दोगे ना तो बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अगर कुछ नहीं भी करना है, कम से कम बोर्ड तो अच्छा कर लो भाई। पहले लोग बोर्ड का ही रिजल्ट आपका सुनेगा समाज वाला कि क्या आया बोर्ड में, नहीं आया। इसलिए कोशिश करिए थोड़ा बहुत मेहनत करके। अरे थोड़ा बहुत, आपके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ को आप थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो ये दिक्कत है। इसलिए ऐसा मत करिए। आप बाहर रह के पढ़ते हैं, भागलपुर शहर में आके पढ़ते हैं, ऐसा नहीं हर एक के पापा की स्थिति बहुत अच्छी ही होगी, ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चे के पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, मगर कुछ की स्थिति तो बहुत ख़राब होती है, फिर भी वो चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, इसके लिए वो आपको बाहर भेजता है। तो आपको ऐसा करना चाहिए। और आप माँ बाप को कभी झूठा नहीं बना सकते। माँ बाप को आप क्या धोखा दीजिएगा? अभी ना आपको लग रहा होगा, हो छोड़ो, मम्मी पापा भेजे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ अपन मस्ती करेंगे, मक्करबाजी करेंगे, काम चल जाएगा। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये धोखा आप अपने खुद को दे रहे हो। थोड़े ही दिन के बाद, 12th के बाद जब जाओगे ना बाबू, तब समझ में आएगा कि हम अच्छे स्वर्णिम टाइम को, गोल्डन टाइम को हमने ऐसे बर्बाद कर दिया। इधर उधर की बातों को अंटम संटम सोच सोच के हमने टाइम को स्पेंड कर लिया। इसलिए कोशिश करिए, हर काम को करिए, मगर पढ़ाई भी ज़रूर करिए, इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है ना बाबू, ज्ञान एक ऐसा चीज़ है, नॉलेज, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, कोई नहीं। यहाँ तक कि ना आपका कोई भी, कोई रिलेशन में आपसे ज्ञान नहीं छीन सकता है। मात्र यही चीज़ है, नहीं तो दुनिया की हर एक चीज़ लोग छीन लेता है, चाहे वो कुछ भी हो। मात्र अगर आपके पास ज्ञान है तो वो आपका से कोई उसका हिस्सा नहीं ले सकता। हाँ, आपसे ज्ञान वही ले सकता है जो ज्ञान लेने की मानसिकता में आएगा। इसलिए कोशिश करिए ईमानदारी से, थोड़ा अपने लिए ही। यार आप मम्मी पापा के लिए क्या पढ़ेंगे, खुद के लिए तो पढ़ लीजिए। भले आप अपने लिए पढ़ लेंगे ना तो आप तो अच्छा ज़िंदगी जी ही लेंगे। आपको अच्छा ज़िंदगी जीते हुए देख करना, तब मम्मी पापा को खुशी होगी। मम्मी पापा को आपसे कोई आशा नहीं रहता है कि आप बड़ा होकर उसका सहारा बनिएगा। उनको भगवान जी इतना दे दिए होते हैं कि वो अपना जीवन यापन कर लेते हैं, आप कुछ नहीं भी करेंगे तो। मगर आप अगर पढ़ लिख के अच्छा मुकाम पे पहुंच जाएंगे, जब आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, सुखमय जीवन हो जाएगा, शिवमय जीवन हो जाएगा, तब माँ बाप को अच्छा लगता है कि आज मेरा बेटा खुशी ज़िंदगी जी रहा है। ठीक है, इसलिए कोशिश करिए। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो आपका तो ज़िंदगी सुंदर हो ही सकता है, साथ ही साथ आपके घर वालों का भी जीवन और सुंदर होगा, वो खुशी से अपना ज़िंदगी बिताएगा। कोशिश करिए पढ़ने की और ईमानदारी से पढ़िए, अपने लिए पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। मैग्निफिकेशन, लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसको M से दिखाते हैं, मैग्निफिकेशन को। किसी एक के लिए बता दे रहा हूँ इसका डेरिवेशन। मान लो ये कन्वेक्स लेंस है, सपोज, कोई दिक्कत? अब मान लो ये F है, ये 2F है, ये F है, ये C मान लो, ये F है और ये क्या है, 2F है। ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट से लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से, और एक मिनट,
और एक लाइट रे कहाँ गिरा, ऑप्टिकल सेंटर पर, ये जाके यहाँ मिल गया। ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज बन गया क्या ए डैश बी डैश, सही है। ये क्या हो गया एफ, ये क्या हो गया टू एफ। याद करो जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता था बियॉन्ड टू एफ, तो इमेज कहाँ बनता था एफ एंड टू एफ के बीच में। अब ध्यान से देखो, ए बी ऑब्जेक्ट के हाइट को बोल दें एच ओ और इमेज के हाइट को बोल दें एच आई, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए डैश बी डैश सी। ए बी सी ट्रेंगल में देखो ये एंगल 90 ए बी सी में, और ए डैश बी डैश सी में देखो ये भी एंगल क्या होगा 90। तो ट्रेंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे। अब पूछोगे कैसे सर, तो देखो ए बी सी में ये एंगल 90, ए डैश बी डैश सी में ये एंगल 90, ए बी सी में ये एंगल सी और ए डैश बी डैश सी में ये एंगल सी, दोनों बराबर है, तो क्या ये ट्रेंगल सिमिलर हो जाएगा। तो हाइट ए बी सी का हाइट ए बी, ए डैश बी डैश सी का हाइट ए डैश बी डैश, ए बी सी का बेस ए सी, ए डैश बी डैश सी का बेस ए डैश सी होगा, ऐसा होगा। अब ध्यान से समझना, ए सी क्या होगी, क्या ए सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ए डैश सी क्या होगी, क्या ए डैश सी इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये ट्रेंगल। अच्छा बताओ मैग्नीफिकेशन होती क्या था, मैग्नीफिकेशन क्या बताता था। मैग्नीफिकेशन का अगर कोई सिंपल मतलब पूछे तो इसका यही मतलब है कि सर इमेज किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना गुना बड़ा बना या छोटा बना, यही ना बताता है मैग्नीफिकेशन को। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, मैग्नीफिकेशन होती थी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही बताया था क्या। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन। अब यहां से आओ ए बी, ए बी क्या है, ए बी क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या प्लस का, अरे ये मैग्नीफिकेशन होता है, ये अपन जनरल जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन। और किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना गुना बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, यही बताता है मैग्नीफिकेशन। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की हाइट थी 2 सेंटीमीटर, उसका इमेज बन गया 4 सेंटीमीटर का, तो क्या दोगुना बना, मतलब मैग्नीफिकेशन 2 है। किसी ऑब्जेक्ट की हाइट थी 4 सेंटीमीटर, उसका इमेज बन गया 2 सेंटीमीटर का, तो आधा बना, मैग्नीफिकेशन हो गया हाफ। अब रियल बना या वर्चुअल बना, अगर मैग्नीफिकेशन इमेज रियल बनता है, रियल इमेज उल्टी होती है, तो उसके इसमें मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा। ये चीज़ आपको हमने मिरर के भी केस में बताया था कि अगर इमेज रियल होगा तो रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव। कारण क्या है, देखो यहाँ पर इमेज रियल बना है, अरे ऑब्जेक्ट ऐसा था इमेज ऐसा बना, उल्टा बना, तो सोचो ये है हाइट ऑफ इमेज और ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या इमेज की हाइट को आप नेगेटिव लेंगे और ऑब्जेक्ट की हाइट को पॉजिटिव, नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, क्या नेगेटिव आएगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, जब जब भी इमेज रियल बनेगा, क्वेश्चन में ऐसा दे देगा कि एक कन्वेक्स लेंस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बन रहा है, इसका क्या मतलब है कि मैग्नीफिकेशन आपको माइनस का 2 दे रखा है, 2 टाइम्स का मतलब हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज दोगुना बन रहा है, मतलब मैग्नीफिकेशन 2 है। अब रियल बन रहा है या वर्चुअल, रियल बन रहा है, तो रियल बनने के केस में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है, इसलिए क्वेश्चन में m बराबर -2 पुट कर लेंगे। आओ तो मैग्नीफिकेशन अपन जानते हैं एच आई बाय एच ओ होता है। अब इधर देखो ए बी, ए बी क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट प्लस का, ए डैश बी डैश क्या है इमेज की हाइट माइनस का एच आई, ए सी, ए सी बोलो क्या है माइनस का यू, और ए डैश सी क्या है प्लस का भी, सही बात है। अब आओ यहां, यहां देखो ये बना एच ओ बाय एच आई माइनस का बराबर क्या बना माइनस का यू बाय भी, सही है। इसको रेसिप्रोकल उल्टा दो तो ये बन गया माइनस का एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू माइनस का भी बाय यू होगा, माइनस से माइनस निपट गया तो एच आई बाय एच ओ क्या हुआ, एच आई बाय एच ओ आ गया भी बाय यू के बराबर, और एच आई बाय एच ओ को ही क्या कहते हैं मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन आ गया एच आई बाय एच ओ बराबर भी बाय यू। याद कीजिए मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन एक जनरल फार्मूला तो था ही एच आई बाय एच ओ, एक और फार्मूला आया था माइनस का भी बाय यू, जबकि यहाँ क्या आया है प्लस का भी बाय यू। ठीक है, याद कीजिए वहाँ
उसी से दो फॉर्मूला और बनाया था, एक बनाया था f अपॉन f माइनस u, दूसरा बनाया था f माइनस v बाय f। ऐसा मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला लिखा था, मिरर के केस में एच आई बाय एच ओ, एक लिखा था माइनस का v बाय यू, एक लिखा था f अपॉन f माइनस u, एक लिखा था f माइनस v बाय f। ये तीन चार फॉर्मूला लिखा था मिरर के केस में, यहाँ भी चार फॉर्मूला आएगा। एक तो जनरल वही है एच आई बाय एच ओ, दूसरा क्या आया v बाय यू। अब इसी से दो फार्मूला और लाएंगे। बोलो ये दो फार्मूला कैसे लाया था? अगर आपको मिरर वाला टॉपिक याद होगा तो लेंस मेकर्स फार्मूला में, सॉरी लेंस मेकर मिरर फार्मूला में 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ में एक बार दोनों तरफ यू से डिवाइड किया था, एक बार दोनों तरफ वी से डिवाइड किया था, तब ये दोनों इक्वेशन आया था। उसी तरह यहाँ लेंस में फार्मूला में एक बार यू से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, एक बार वी से डिवाइड करेंगे, तो और दो फार्मूला आ जाएगा मैग्नीफिकेशन का। बाकी ये फॉर्मूला किसके लिए है तो मैग्नीफिकेशन का ही, मगर मिरर के केस का है, मिरर के लिए। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया, एच आई बाय एच ओ, मैग्नीफिकेशन का ये जनरल फॉर्मूला है एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू वी बाय यू। ठीक है, चलो आगे इसी को थोड़ा सा और वही कर लेते हैं अपन। क्या आया फॉर्मूला, m बराबर आया एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू क्या आया भी बाय यू। या तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए या जैसा डेटा देगा उसके अनुसार फॉर्मूला फिट करेंगे। अब बताइए बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या कहती है, लेंस फॉर्मूला कहती है 1 बाय वी माइनस का 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, ये लेंस फॉर्मूला कहता है। अब क्या कीजिए आप, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय यू, यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए यू से, तो क्या बन जाएगा ये यू बाय भी माइनस का यू बाय यू इज इक्वल टू यू बाय एफ। यू से यू निपट गया, ये बन गया यू बाय भी माइनस का वन इज इक्वल टू यू बाय एफ। सही है, ये बन जाएगा यू बाय भी, वन को उधर भेज दीजिए तो वन प्लस यू बाय एफ, ये बन जाएगा यू बाय भी इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए एफ, ये आ जाएगा एफ प्लस यू। क्या हम इसी को पलट दीजिए, क्या आया u बाय भी इज इक्वल टू एफ प्लस यू बाय एफ, है ना, पलट दीजिए। सर पलट क्यों रहे, अरे भाई पता है ना मैग्नीफिकेशन v बाय यू होती है, पलट दीजिए तो v बाय यू इज इक्वल टू क्या आ गया f अपॉन f प्लस यू। तो देखो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला और आ गया f अपॉन, अरे भाई m बराबर v बाय यू है, ये मैग्नीफिकेशन ही है ना, तो m बराबर एक फॉर्मूला क्या आया f बाय f प्लस यू, तो एक फॉर्मूला आ गया f बाय f प्लस U। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए लेंस फॉर्मूला में, बाय लेंस फॉर्मूला क्या 1 बाय भी माइनस का 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, दोनों तरफ भी से, भी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा भी बाय भी माइनस का भी बाय यू इज इक्वल टू भी बाय एफ। भी से भी कट गया, यहाँ बचा 1 माइनस v by u is equal to v by f, v by u को उधर भेज दीजिए तो ये बन गया v by u, v by f को इधर बुला लीजिए तो 1 minus v by f, इधर देख लो ये क्या बना 1 minus v by f is equal to बन गया v by u। सही बात है, LCM ले लीजिए f, तो ये क्या बना f minus v बराबर v by u, तो v by u बराबर क्या आ गया f minus v by f। क्या v बाई यू ही क्या होती है मैग्नीफिकेशन, क्या आ गया f माइनस वी बाय एफ, तो f माइनस वी बाय एफ। तो ये रहा मैग्नीफिकेशन का चार फॉर्मूला, कौन कौन, एक एच आई बाय एच ओ, दूसरा v बाय यू, तीसरा f बाय एफ प्लस यू, चौथा f माइनस वी बाय एफ। अब क्वेश्चन में जैसा डेटा दिया रहेगा वैसा वैल्यू पुट कर लेंगे, मगर फॉर्मूला याद रखेंगे। बात समझ में आई, ये थी अपना लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ओके okay।
चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे दो को। अब इसमें एक बचा है डिस्प्लेसमेंट मेथड और एक बचा है टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें अपन पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, ये सब टेलीस्कोप सब पढ़ेंगे। मतलब आई होप 4-5 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर, मोस्ट प्रोबेबल। 1-2 लेक्चर इधर उधर हो सकता है। चलिए ठीक है, इस पर क्वेश्चंस करते हैं अपन। आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रखना भाई, यहाँ लिख दे रहा हूँ अभी। मतलब दो ही फॉर्मूला पे यूज होगा, एक तो लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, जितनी भी फॉर्मूला अभी तक बना है चैप्टर में, हमको लग रहा है गिना चुना फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले को एक पेज में लिख लो और फॉर्मूला को रटो, मगर प्यार से रटो। कारण सिर्फ फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूला में कौन क्या चीज़ है और इसकी वैल्यू कैसे रखते हैं ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मूला याद हो गया, आपको पता नहीं है डेटा कैसे फिक करना है, फॉर्मूला याद करने से क्या फ़ायदा हो गया? अरे युद्ध के मैदान में चले गए, हथियार है आपके पास मगर चलाना ही नहीं आता है, तो हथियार नहीं ना चला पाओगे, मर के आ जाओगे ना भाई। इसलिए हथियार के साथ साथ हथियार चलाने का तरीका भी अच्छी तरीके से आनी चाहिए और बार बार उसका रिवीजन करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपका एम एक बार में पूरा का पूरा लग जाए, रीज़न है। तो इसलिए सारे फॉर्मूला को प्यार से रटेंगे, हर एक चीज़ को रटेंगे, कहाँ क्या है प्रॉपर चीज़ के साथ, कहाँ किसकी वैल्यू क्या रखनी है सारे चीज़ के साथ। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला या तो HI/HO यूज होगा, या तो V/U यूज होगा, या F/U यूज होगा, या F-V/F यूज होगा। जैसा डेटा वैसा फॉर्मूला, नहीं जैसी बीमारी वैसी दवाई। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं अपन। इफ अ कन्वेक्स लेंस, इफ अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज, 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज of an object placed at 20 cm in front of lens, placed at 20 cm in front of lens, then calculate focal length, then calculate focal length of lens। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो, क्वेश्चन कह रहा है एक कन्वेक्स लेंस है जो कितना टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बना रहा है, 3 times। क्या दे दिया हिंट्स, सुनिए कि कह रहा है एक उत्तल लेंस 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस देन 20 cm इन फ्रंट ऑफ लेंस। मान लो ये सपोज कन्वेक्स लेंस है, ठीक, इस कन्वेक्स लेंस का ये मान लो ऑप्टिकल सेंटर है, इस कन्वेक्स लेंस से कितने दूरी पर, 20 cm पर, कितने दूरी पर, 20 cm पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बन रहा है, जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है 3 times मैग्नीफाइड, 3 गुना बड़ा। तो डेटा गिवन क्या क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे रखा है, 20 पे, बताओ लाइट रे का डायरेक्शन इधर पॉजिटिव, ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव, तो क्या यू की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, माइनस का 20 cm। अच्छा मैग्नीफिकेशन दे रखा है कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बन रहा है, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा बन रहा है, कितना गुना, 3 गुना, मतलब मैग्नीफिकेशन 3, प्लस या माइनस तो क्वेश्चन में दे रखा है रियल इमेज, तो बताओ रियल इमेज के लिए इसके बाद ये याद रख लेना कि इफ इमेज इज रियल, रियल इमेज होगा तो इन्वर्टेड होगा ही होगा,
इफ़ इमेज इज रियल या रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ही होगा, मैग्नीफिकेशन इस केस में कैसी होगी, नेगेटिव। इफ इमेज इज वर्चुअल तो वर्चुअल इमेज ऑलवेज कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, तो इस केस में मैग्नीफिकेशन कैसी होगी, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में दे रखा है मैग्नीफिकेशन मतलब इमेज कैसा बन रहा है, रियल, मतलब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगी। कितना गुना बड़ा बन रहा है, 3 गुना, मतलब मैग्नीफिकेशन 3। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की फोकल लेंथ बताइए। बताइए क्या क्वेश्चन में जो दे रखा था उसको साइन के साथ रख लिया, अब जो पूछा है वो अपने आप साइन के साथ आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं करेंगे। एम दिया है, यू दिया है, एफ निकालना है, ढूंढो कौन सा फॉर्मूला, एम दिया है, यू दिया है, एफ निकालना है, एफ बाय एफ प्लस यू बराबर एम, ये वाला फॉर्मूला लगा दे, एम दिया है, यू दिया है, एफ नहीं आ जाएगा, फॉर्मूला पुट कर लीजिए, एम बराबर एफ अपॉन एफ प्लस यू। तो एम कितना, माइनस का 3, एफ कितना निकालना है, एफ निकालना है, यू कितना माइनस का 20, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 बाय एफ माइनस 20, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस 3f, माइनस माइनस प्लस 60 बराबर f, ठीक है। तो ये क्या बन गया, माइनस का 3f, इसको माइनस का 3f, f को इधर बुला लीजिए माइनस का f, 60 को उधर भेज दीजिए माइनस का 60, क्या आ गया, ये आ गया माइनस का 4f बराबर माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल, 4f इज इक्वल टू 60, तो f की वैल्यू कितनी हो गई, 60 बाय 4, 4 से ये 15 बार में, मतलब फोकल लेंथ आ गई प्लस का 15 सेंटीमीटर। क्या अपने को पता है कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, देखो आंसर आ गया ना प्लस के साथ, इसीलिए चिंता अपने को नहीं करनी है, जो डेटा पूछा होगा उसके, जो पैरामीटर पूछा होगा उसके बारे में अपने को चिंता नहीं करनी है, मगर जो क्वेश्चन दिया, जो डेटा दिया होगा क्वेश्चन में उसको विथ प्रॉपर साइन के साथ अपन फॉर्मूला में पुट करेंगे। ये था वो क्वेश्चन, क्लियर। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन बस लास्ट कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को, एक बार देख लीजिए इसको, फिर अगला एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक कन्वेक्स लेंस दे रखा है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जो कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे है, इस लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कन्वेक्स मिरर बनाया हुआ है, और इस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस का 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इफ फाइनल इमेज फॉर्म्स एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर पर, और इस कन्वेक्स लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा हुआ है, एक कन्वेक्स मिरर रखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की कितनी होगी, कब,
मतलब आपसे पूछ रहा है कि यदि फाइनल इमेज ओवरऑल के द्वारा यहाँ क्या क्या है, एक बार ऑब्जेक्ट का इमेज कौन बनाएगा, कन्वेक्स लेंस, फिर कौन बनाएगा, कन्वेक्स मिरर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर फाइनल इमेज कहाँ बन रहा हो, ऑब्जेक्ट के ही जगह पर, मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट है इमेज वहीं बन रहा हो, तो बताइए इस केस में कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर फाइनल इमेज कहाँ बन रहा हो, अगर फाइनल इमेज कहाँ बन रहा हो, अगर फाइनल इमेज हमारा कहाँ बन रहा हो, फाइनल इमेज अगर फाइनल इमेज बन रहा हो ऑब्जेक्ट के ही जगह पे, तो बताइए इस केस में कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी। चलो इसको देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, सॉरी देखिए इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक कन्वेक्स लेंस है और ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है। एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट, कितने सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर से, 15 सेंटीमीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है माइनस का 15 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दे रखी है कितने, प्लस का 10 सेंटीमीटर। अब आराम से ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट 15 पे है, फोकल लेंथ इस कन्वेक्स का 10 पे है, बताओ इमेज कितने दूरी पे बनेगा इसके द्वारा, तो क्या 1 बाय भी माइनस का 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ लगा दें तो भी नहीं निकल जाएगा, तो 1 बाय भी माइनस का 1 बाय यू के जगह माइनस का 15, 1 बाय एफ के जगह प्लस का 10, तो ये बन जाएगा 1 बाय भी इज इक्वल टू 1 बाय 10, ये बन जाएगा प्लस का 1 बाय 15 उधर आएगा तो माइनस का 1 बाय 15। अब इधर देखो ये बन जाएगा 1 बाय भी इज इक्वल टू 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30, 10 थ्री जा 30, 15 टू जा तो ये बन जाएगा 1 बाय भी बराबर 1 बाय 30, तो यहाँ से आ जाएगा भी की वैल्यू कितनी, 30 सेंटीमीटर। मतलब इस लेंस के द्वारा इस अच्छा इनके बीच का गैप कितना था, 10 सेंटीमीटर नहीं, ठीक। अब इस लेंस के द्वारा इमेज कहाँ बनेगा, इस लेंस के द्वारा इमेज बनेगा कहाँ पे, 30 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ से इमेज बनेगा कितने पे, 30 सेंटीमीटर पे, मान लो 30 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होगा, तो क्या इसके द्वारा इमेज ऐसा बनता, बोलो यही ना बनता। अब ध्यान से समझना, यहाँ इमेज कौन बनाता, यहाँ इमेज कौन बनाता, ये कन्वेक्स लेंस अकेला, जब मिरर नहीं होता तभी ना इसका इमेज ये यहाँ बना देता 30 पे, अब बीच में कौन आ गया, मिरर, तो बताओ ये मिरर क्या इधर लाइट रे को आने देगी, नहीं, पॉलिश किया हुआ है ना इधर, क्यों, ये इधर ही ना रिफ्लेक्ट कराएगा भाई, बोलो ना यार, इस ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखी थी, इस लेंस का भी फोकल लेंथ 10 है और लेंस और मिरर के बीच का गैप भी, सेपरेशन भी 10 है, चिंता नहीं करिएगा, ये नहीं सोचिएगा इसी 10 के कारण यहाँ 10 लिखा है, क्वेश्चन में कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको दे रखी है, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10, ऑब्जेक्ट कितने पे, 15 पे, तो क्या अपन ने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, इसका मतलब ये कन्वेक्स लेंस इस ऑब्जेक्ट का कितने दूरी पे इमेज बनाएगा, 30 पे, कितने पे, 30 पे। अब ध्यान से, मगर 30 पे कब बनाता, जब ये मिरर नहीं होता, मगर मिरर हो जाने के कारण क्या होगा, लाइट ये यहीं ना रुक जाएगी, हाँ कि ना, कन्वेक्स लेंस को लगेगा कि हम अपना इमेज यहाँ बनाते, मगर बीच में आ गया मिरर, तो लाइट रे को तो ये यहीं रोक देगा, इधर जाने थोड़े देगा, इधर लगेगा कि हाँ वर्चुअल इमेज बना है, रियल में नहीं बना है, वर्चुअल में बना है, और जो पहले के लिए इमेज बनेगा क्या वही इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, इस वाले मिरर के लिए वही ऑब्जेक्ट होगा। अब ध्यान से सुनना, वर्चुअल रियल नहीं है, वर्चुअल है, अब ये लाइट रे को तो ये यहीं रोक लिया, अब फाइनली इमेज इस ऑब्जेक्ट का कौन बनाएगा, ये ना, इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज कौन बनाएगा, मिरर, ये ऑब्जेक्ट किसके लिए है, मिरर के लिए, जबकि ये इमेज किसके लिए है, लेंस के लिए,
ये बात क्लियर होता है। अब कह रहा है फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट के ही जगह पर। अब आप ही बताओ ऑब्जेक्ट के जगह पर मतलब इससे रिफ्लेक्टेड लाइट रे कब यहीं आके मिलेगी, तब मिलेगी ना जब ये लाइट रे यहाँ पे परपेंडिकुलरली टकरा रहा होगा। हाँ या ना, भूल गए क्या लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी? भूल गए लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कि अगर लाइट रे किसी सरफेस पर 90 डिग्री पे स्ट्राइक करता है तो वो अपने ही पाथ को रिटर्न कर लेता है, रिट्रेस कर लेता है, उसी पाथ पे ये लौट जाता है। सम बेसिक लॉ बताया था रे ऑप्टिक्स का, तो उसी में बताया था कि अगर लाइट रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक हुआ है तो वो अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेगा। इसका मतलब श्योर है सर, ये लाइट रे जो है इस सरफेस पर परपेंडिकुलरली गिरा है तभी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, अन्यथा रिट्रेस नहीं करेगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे इसी पाथ पे इधर आएगी और फाइनल इमेज यहीं बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आया पक्का? और जब ये 90 पे यहाँ आया इसका मतलब ये भी एंगल क्या है 90। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये 90 है तो इसका मतलब श्योर है, अरे भाई इस पे टेंजेंट डालेंगे इस पॉइंट पर, और इसका मतलब इस कर्व सरफेस के लिए ये सेंटर रहा होगा। क्यों? चूंकि रेडियस ही ना, अरे भाई किसी सर्कल के किसी पॉइंट पर टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर होती है, रेडियस के ही ना, और रेडियस क्या होती है सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। इसका मतलब श्योर है ये सेंटर रहा होगा और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या रही होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर रहा होगा। बोलो ये बात समझ में आई? एक बार फिर से, कैसे पता चला सर फाइनल इमेज? यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ बताइए, जबकि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के जगह पर ही बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट के जगह पर ही फाइनल इमेज कब बनेगा? पहली बात तो ये कन्वेक्स लेंस ने इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाया? यहाँ बनाता, मगर मिरर आ गया बीच में, इसलिए ये इमेज वर्चुअल यहाँ बन जाएगा। तो इसके लिए, इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा ना, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस पे परपेंडिकुलरली गिरेगा तभी ना रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने ही पाथ को रिट्रेस कर, अरे यहाँ जो ये लाइट रे यहाँ गिर रही है ना, शायद ये परपेंडिकुलरली गिर रहा होगा तभी ना ये लाइट रे अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेगा और यहाँ जाके इमेज बना लेगा। मतलब ये लाइट रे इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली गिर रही है, इसका मतलब श्योर है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या होगी, रेडियस होगी। बोलो हाँ या ना, कन्फर्म है? और ये क्या रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या रहा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्योंकि हम जानते हैं ना रेडियस ही ना किसी सर्कल के किसी पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट डाला और परपेंडिकुलर ये है, इसका मतलब ये श्योर है रेडियस है। इसका मतलब रेडियस कितना आया, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 30 और यहाँ से यहाँ तक का 10, तो बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आया, 20 है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब याद कीजिए हमको क्या निकालना है, कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ। क्या मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई रिलेशन जानते हैं? यस सर, कितना, F बराबर R बाय 2, तो F R कितना आ गया 20 बटे 2, 2 से ये 10 बार में, बताइए फोकल लेंथ आ गया क्या कन्वेक्स मिरर का 10 सेंटीमीटर, और अपने आप पॉजिटिव आ गया चूंकि हम जानते हैं कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। देखो कन्वेक्स मतलब मिरर के लिए भी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट यूज करा लिया, ये तो बेसिक फॉर्मूला है ना, एफ बराबर आर बाई टू। बस ये समझना था यहाँ लाइट परपेंडिकुलरली स्ट्राइक होगी तभी लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करके इमेज यहाँ बनाएगा, और जब यहाँ परपेंडिकुलरली स्ट्राइक की है इसका मतलब ये जो लाइन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रेडियस की तरह। मतलब रेडियस कितना हो गया इसका 10 नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 30 आया था, ये 10 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 है। यहाँ से ये पता चल गया कि इस कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 होगा, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 आ गया तो क्या फोकल लेंथ नहीं आ जाएगा, उसकी आधी हो जाएगी, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसलिए बोला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अपन ये जानते हैं क्या कि सर्कल के लिए अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस जो है इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है, जानते हैं, जानते हैं ना भाई, ये परपेंडिकुलर होती है, इस तरह से ये क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं पे अपन ख़त्म करेंगे, जो भी क्वेश्चंस कराया उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा असाइनमेंट और आपको दिया जाएगा ताकि और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो पाए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर
बोर्ड का क्वेश्चन बैंक है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं तो एक बार उनमें ढूंढ ढूंढ के ऐसे क्वेश्चंस को लगा लीजिए जो टॉपिक अभी तक आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।